सो हाई ग्राफिक्स गेम किसको नहीं पसंद। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे गेम जो कि आपके गेमिंग पीसी को उसके लिमिट के ऊपर लेके जाएंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी अपने रिसेंटली 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं अपने चैनल के ऊपर, तो गाइस उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सबसे पहले गेम के साथ में, जिसका नाम है वॉच डॉग लीजेंस। अब दोस्तों, वॉच डॉग एक बहुत ही कमाल का गेम है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने प्रॉबेबली सुन रखा होगा। ये एक गेम है जो कि बेस्ड है हैकिंग के ऊपर। इस गेम के अंदर आप लोगों को पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट देखने को मिलता है एंड आप लोगों के पास में हैकिंग स्किल होती है। इसका मतलब लिटरली आप लोग किसी भी चीज को हैक कर सकते हो गेम के अंदर। मान लो कि आप लोगों को एक कार की जरूरत है, तो आप लोग अपने आसपास खड़ी किसी भी कार को हैक करके यूज में ले सकते हो। और मान लो कि आप लोगों के पास में कोई इंसान निकल रहा है, तो आप लोग उसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हो, किसी भी सीसीटीवी कैमरा को हैक कर सकते हो एंड बहुत कुछ। तो आप लोगों को जो गेम में मिशन मिलते हैं वो भी हैकिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड उसके अंदर आप लोगों को अपनी हैकिंग स्किल का यूज लेना होता है। गेम की ग्राफिक्स बहुत ज्यादा एनहेंस्ड है अगर आप लोग कंपेयर करो इसको वॉच डॉग 2 से, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ग्राफिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। रे ट्रेसिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा ऑसम है। नेक्स्ट गेम की अगर अपन बात करें तो ये है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर। अब दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एंड गाइस ये जब गेम रिलीज हुआ था ना, इसने धमाका मचा दिया था। इस गेम के अंदर यूज हुए रियल लाइफ एलिमेंट्स। मतलब अगर आप लोगों को अपना शहर देखना है, जिस भी सिटी में आप लोग रहते हो, आप लोग उस सिटी को इस गेम से देख सकते हो। एंड ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ दिखा दिया गूगल मैप्स वाली चीजें, बहुत ही डिटेल में आपको इसके अंदर चीजें देखने को मिलेंगी। एंड लिटरली इस गेम से आप लोग पूरे इंडिया के ऊपर घूम सकते हो, आप लोग ताजमहल जैसी चीजें देख सकते हो, ऐसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आप लोग रियल लाइफ में नहीं गए बट आप कभी जाना चाहते हो, क्योंकि ये एक फ्लाइट सिम्युलेटर। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेन्स वगैरह उड़ाने का मौका मिलता है एंड जो रियल लाइफ में प्लेन के अंदर फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। और इस गेम के ग्राफिक्स के तो भाई क्या ही कहने, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो कि कितने शानदार ग्राफिक्स हैं इस गेम के। और जो इसकी साइज है वो 150 GB समथिंग है, तो आप लोग सोच समझिए इसको डाउनलोड करना। नेक्स्ट गेम की अपन बात करें तो वो है फ्रोजा होराइजन 5। अब दोस्तों, ये जो गेम है ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग गेम है एंड बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स आप लोगों को देता है। इस गेम की जो बहुत बड़े हाईलाइट्स हैं वो इस गेम का वेदर एंड जो लोकेशंस हैं जहाँ पे रेसिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इस गेम का मजा डबल ट्रिपल जब हो जाता है जब आप लोग इसको कंट्रोलर की मदद से खेलते हो। मतलब कार कंट्रोलर एक आता है, वो थोड़ा महंगा आता है, बट अगर आप लोग उसको परचेज करके लगा सकते हो ना, तो ये गेम आप लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा, आपको जहन में बैठ जाएगा, क्योंकि आप एक रियल कार जैसे चलाते हो वैसा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट अगर आप लोग मेरे जैसे हो जिसके पास में वो नहीं है, तो फिर भी आप इस गेम का मजा ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और साथ में गेम के अंदर आप लोगों को सारी लेटेस्ट कार देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपना गेम है मार्वल अवेंजर। अब दोस्तों, इस गेम के लिए जितने लोग इंतजार कर रहे थे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये गेम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है एंड उसी हिसाब से इनिशियली ये गेम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बट धीरे धीरे करके ये गेम डेड हो चुका है आज के टाइम में। बट इस गेम के जो ग्राफिक्स है ना, मतलब इस गेम के ऊपर डेवलपर ने बहुत अच्छा काम किया है। इस गेम को जैसा अपने ने एक्सपेक्ट किया था वैसा इस गेम को बनाया है। बहुत ही ज्यादा अच्छी डिटेलिंग आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो गेम है इसके अंदर आप लोग सभी कैरेक्टर खेल सकते हो जो कि एवेंजर्स के अंदर है, जैसे कि हल्क, थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, सभी कैरेक्टर्स को आप खेल सकते हो। स्पाइडरमैन के गेम्स को छोड़िए क्योंकि उसके गेम में सोनी प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव रहते हैं, बट अगर आप लोग उसके अलावा कोई भी सुपर हीरो खेलना चाहते हो मार्वल का, तो आप लोग इस गेम के अंदर खेल सकते हो। इस गेम के अंदर आपको सभी कैरेक्टर्स मिलते हैं एंड एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलती है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट अपना गेम है असैसिन क्रीड वॉलहाला। अब देखो, असैसिन क्रीड की जो सीरीज है उसके अंदर ये 5th गेम है एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि सभी गेमर्स ने इसके बारे में सुना, तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना तो आप एक गेमर नहीं हो। गेम सेट हुआ है 1872 से 1878 AD के अंदर, जो कि वाइकिंग्स का टाइम हुआ करता था एंड उसी के ऊपर पूरी इस गेम की स्टोरी बेस्ड है। गेम पूरा ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरी है। साथ में आप लोगों को बहुत सारे साइड मिशन देखने को मिलेंगे जिनको अपन गेम के अंदर वर्ल्ड इवेंट्स भी बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो असैसिन क्रीड के जो सारे पार्ट्स आए, ओडिसी या फिर सिंडिकेट, वो सभी बहुत ही अच्छे थे, बट क्योंकि ये गेम अभी लेटेस्ट है तो ये सबसे अच्छे ग्राफिक्स आपको ऑफर करता है। नेक्स्ट अपना गेम है बैटलफील्ड 5। दोस्तों, बैटलफील्ड एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज है जो कि वॉर टाइप के गेम्स बनाती है, जहां पे आप लोगों को एक वॉर के बीच में डाल दिया जाता है एंड बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और हाई ग्राफिक्स वाले आपको गेम प्ले देखने को मिलते हैं इसके अंदर। वैसे तो आप लोग देखो बैटलफील्ड के जितने भी गेम हैं उन सभी के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, बट इस वाले पार्ट में जो अलग चीज है वो है इसके इफेक्ट और रे ट्रेसिंग, जो कि इस गेम को बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उनसे अलग बनाती है। गेम के अंदर आपको सभी चीजें देखने मिलेगी, टैंकर्स, प्लेन्स, एयर रॉकेट लॉन्चर्स, सारी मॉडर्न वेपन, सब कुछ आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेगा। इस गेम को आप मल्टीप्लेयर मोड में भी खेल सकते हो जहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट रियल प्लेयर्स आते हैं, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो इसकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मोड भी है, तो उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप लोग इस गेम को खेलना चाहते हो तो आपको एक पावरफुल पीसी की जरूरत पड़ेगी एंड जब मैं कह रहा हूँ एक पावरफुल पीसी की, इसका मतलब 3090 नहीं, 1050 अगर आपके पास में है तो आपका ये गेम अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा आपको। बट अगर आपको इस गेम का 100% चाहिए तो आपको डेफिनेटली एक पावरफुल पीसी चाहिए होगा।
नेक्स्ट अपना गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर जेड। दोस्तों ये गेम रिसेंटली एपिक गेम्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में आया था। ये एक थर्ड पर्सन शूटिंग मल्टीप्लेयर गेम है जिसके अंदर आप लोगों को चार कैरेक्टर देखने को मिलते हैं एंड चार प्लेयर आप लोग मैक्सिमम एक साथ खेल सकते हो। गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ ज़ॉम्बीज। तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जाना होता है एंड वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सभी को एलिमिनेट करना होता है एंड काफी अच्छी अच्छी लोकेशन इस गेम के अंदर जैसे कि टोक्यो, न्यूयॉर्क एटसेट्रा। ये गेम बहुत ज्यादा मजेदार है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को इतने सारे ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं एंड आप लोगों के पास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स होती हैं एंड नेड, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ होते हैं एंड आपको उन ज़ॉम्बीज को खत्म करना होता है। ये गेम 2019 में रिलीज हुआ था बट अभी भी जो इसके ग्राफिक्स हैं वो काफी ज्यादा ऑसम है एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट अपना गेम है साइबरपंक 2077। अभी देखो आप लोग भी जानते हो कि कितने लंबे समय से अपन ने इस गेम का इंतजार किया। अपन सभी को लगता था कि ये गेम GTA सीरीज को पीछे छोड़ देगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस गेम ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना इसको करना चाहिए था बट अपन ये चीज नहीं भूल सकते कि ये एक AAA टाइटल वाला ओपन वर्ल्ड गेम है जिसके ग्राफिक्स अभी तक के सबसे अच्छी गेम्स के अंदर आते हैं। गेम की अभी तक 18 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये इस गेम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बट इस कुछ बग्स की वजह से ये गेम थोड़ा सा पिट गया। गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है नाइट सिटी जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है देखने में। और इस गेम की कमाल की बात क्या है कि जो इवन NVIDIA 3090 है वो इस गेम को 100% इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नहीं लेके जा पा रहा। तो जैसे जैसे टाइम के साथ में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड होते जाएंगे वैसे वैसे इस गेम की परफॉर्मेंस, इस गेम की ब्यूटी बढ़ती जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपना गेम है माफिया डेफिनेटिव एडिशन। दोस्तों ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो 2020 में रिलीज हुआ था एंड ये एक रीमेक है माफिया गेम का जो कि 2002 में समथिंग में रिलीज हुआ था। गेम की स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर आप लोगों ने इसकी जस्ट एक वीडियो भी देख लेना तो आप इस गेम की स्टोरी में खो जाओगे बिल्कुल। गेम के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल था इसीलिए कंपनी ने इसको रीमेक करवाया। गेम के अंदर आप लोगों को टोटल गैंग्स वाला सीन देखने को मिलेगा कि भाई इधर एक माफिया उधर एक माफिया एंड जो सिटी है उसके अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है उसके ऊपर इसके अंदर फाइट होती है। गेम को रीमेक करने का काम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किया गया है एंड आप लोग कह सकते हो कि ये एक AAA टाइटल गेम है। अब नंबर आ गया अपने आज के लिस्ट के लास्ट गेम का जिसका नाम है गॉड ऑफ वॉर। दोस्तों गॉड ऑफ वॉर गेम के पीसी के ऊपर आने के लिए गेमर्स ने इतने सालों तक इंतजार किया आप लोग सोच नहीं सकते। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है एंड काफी पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसके काफी सारे पार्ट्स आ रखे हैं बट पीसी के ऊपर अभी सिर्फ एक ही अवेलेबल है जो कि आपको स्टीम के ऊपर देखने को मिलता है। गेम के अंदर आप लोगों को स्टोरी देखने को मिलती है एक वॉरियर की जिसका नाम होता है क्रेटोस एंड वो हाफ गॉड हाफ ह्यूमन होता है। साथ में वो ज्यूस का एक ह्यूमन बेटा होता है जिसको ज्यूस बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे जो अपना कैरेक्टर होता है वो गॉड ऑफ वॉर होता है, मतलब लड़ाई का देवता होता है वो, और उसको कोई नहीं हरा पाता। तो इसीलिए अपने कैरेक्टर के पास में बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती है एंड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है वो। तो जो इस गेम के अंदर अपनी बैटल्स होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। काफी बड़े बड़े बॉस को अपन इस गेम के अंदर मारते हैं और जो इस गेम की स्टोरी है उसके बारे में अपन किसी और दिन किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों बस इतना था आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लोगों तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।